हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टाइलो बुटीक। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक बैक नेक डिज़ाइन शेयर करूंगी। बहुत ही यूनिक से डिज़ाइन हम बनाएंगे। इसके लिए देखिए, मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। लेंथ मैंने यहाँ पर देखिए 14.5 इंच लिया है। तैयार लेंथ हमारी यहाँ पर 13.5 इंच है। 34 साइज़ का ये ब्लाउज हम बना रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखिए, शोल्डर मैंने यहाँ पर 5 इंच लिए हैं एंड आर्म होल्स मैंने यहाँ पर 5.5 इंच लिए हैं एंड चेस्ट का फोर्थ पार्ट देखिए मैंने यहाँ पर 8.5 इंच लिया है। अभी देखिए, यहाँ पर हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम नेक विड्थ के लिए 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और नेक लेंथ के लिए यहाँ पर देखिए हम 12 इंच पे निशान लगाएंगे। नीचे से नेक विड्थ के लिए मैंने यहाँ पर 3 इंच पे निशान लगाया है। इन निशान्स को देखिए, यहाँ पर हम स्ट्रेट में लाएंगे और यहाँ से देखिए हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ये देखिए, और देखिए यहाँ से नीचे से हम एक निशान 2.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से देखिए हल्के हाथ से गोलाई करते हुए इस तरीके का शेप हम देंगे। देखिए, अभी देखिए फ्रेंड्स, इस मार्किंग को हम यहाँ से कट करेंगे। तो पहले देखिए, जो हमने बाहर की तरफ ये राउंड नेक ड्रॉ किया है, इसको कट करेंगे और इसके बाद देखिए, जो हमने अंदर की ओर ये ड्राइंग बनाई है, इसको भी कट कर लेंगे। इस पीस को देखिए, हम यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली हुई है, ये देखिए, इसके ऊपर रख के हम ड्रॉ करेंगे इसको। यहाँ से देखिए, इसको पिनअप कर लेंगे ऊपर की तरफ से। देखिए, इसको हम एज इट इज ड्रॉ करेंगे यहाँ तक देखिए, और नीचे से देखिए, इसको हम हाफ इंच जितना एक्स्ट्रा बढ़ा कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से इसको हम जॉइंट करेंगे, इसलिए यहाँ से हमें हाफ इंच नीचे से बढ़ा कर लेना है। ऊपर से इसको देखिए एज इट इज ही ड्रॉ कर लेना है। इसको भी यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद देखिए, इस बुकरम वाले पीस को हम अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर आयरन से इसको अस्तर वाले फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। पहले देखिए, इसका हम नेक रेडी करेंगे। इसकी रॉन्ग साइड है और ये देखिए इसकी राइट साइड है। तो राइट साइड के ऊपर देखिए, हम अस्तर वाले फैब्रिक को रखेंगे और पहले यहाँ पर देखिए, इसको हम पिनअप कर लेंगे कपड़े को यहाँ पर। अभी पूरे ही नेक में हम स्टिच लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम एक पैर का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर इसमें स्टिच लगा लेंगे। अभी देखिए, अंदर के कपड़े को हम कट कर लेंगे और पूरे ही नेक में हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसकी किनारी के ऊपर स्टिच लगाएंगे। जो अस्तर वाला फैब्रिक है, इसकी किनारी के ऊपर हमें स्टिच लगा लेनी है। इसी जो हमारा नेक है, बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। इसके बाद देखिए, हम अस्तर वाले फैब्रिक को नीचे की तरफ टर्न कर देंगे और अभी देखिए, एक सिलाई हम और लगाएंगे। इसकी किनारी के ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेते हुए भी ये स्टिच लगा सकते हो। तो ये देखिए, नेक हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद देखिए, इसमें हम चारों तरफ स्टिच लगा के इसको कंप्लीट करेंगे और जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है, इसको भी हम कट करके इसकी फिनिशिंग कर लेंगे अच्छे से। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरीके के जो यूनिक नेक डिज़ाइंस है, उनके वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें हम बैक में प्लेट्स लगाएंगे।
प्लीट्स लगाने के बाद यहाँ पर इसमें हम वेस्ट पट्टी अटैच करेंगे। तो इसके लिए देखिए मैंने यहाँ पर 2 इंच चौड़ी एक पट्टी कट कर ली है और इसको एक बार हम फोल्ड करते हुए सिंपली यहाँ पर अटैच करेंगे। इसके बाद देखिए इस पट्टी को सीधा करते हुए इसकी किनारी के ऊपर स्टिच लगाएंगे और अभी देखिए इसको नीचे की तरफ यहाँ पर टर्न कर देंगे और यहाँ पर इसमें हम देखिए हेमिंग करेंगे। तो इसमें ऊपर की तरफ मैं इसमें स्टिच नहीं लगाऊंगी। तो देखिए यहाँ पर नेक हमारा रेडी हो गया है। अभी देखिए इस पीस को हम रेडी करेंगे। तो जो मेन फैब्रिक है इसके ऊपर देखिए हमें इस पीस को ऐसे रखना है और यहाँ से इसको पिनअप करते हुए देखिए ऊपर की तरफ हम स्टिच लगाएंगे। तो जो बुकरम की किनारी है इसके ऊपर हमें इसमें स्टिच लगा लेनी है, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद देखिए यहाँ से जो इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट करके निकाल देंगे। और यहाँ पर देखिए इसमें हम छोटे छोटे से कट लगाएंगे। ध्यान रहे यहाँ पर हमारी सिलाई नहीं कटनी चाहिए और इसको टर्न करके सीधा कर लेंगे यहाँ से। अभी देखिए इसकी किनारे के ऊपर भी एक स्टिच लगाएंगे हम। और नीचे की साइड भी देखिए इसमें स्टिच लगा के इसको भी यहाँ से पक्का कर लेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर इसमें हम ऊपर की तरफ पाइपिंग अटैच करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक उरेब पट्टी कट कर ली है। इस पट्टी को देखिए एक साइड से हम फोल्ड करेंगे। अभी देखिए इसके नीचे की तरफ रखते हुए इसमें हम अटैच करेंगे। यहाँ पर इसकी किनारे के ऊपर स्टिच लगाएंगे। इसके बाद देखिए इसको नीचे की तरफ टर्न करते हुए यहाँ पर इसमें हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी ये पाइपिंग रेडी हो जाएगी। आप चाहो तो इसी तरीके से जो ब्लाउज का नेक है उसमें भी पाइपिंग लगा सकते हो। मैं इसमें देखिए इसको सिंपल ही रखूँगी, बाद में इसमें लेस अटैच करूँगी। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक पट्टी लेंगे 1.25 इंच चौड़ी और इसको देखिए 2 टाइम्स फोल्ड करते हुए इसमें स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए मैंने पट्टी में स्टिच लगा के रेडी कर ली है और इस तरीके से देखिए मैंने इस पट्टी के पीस कट कर लिए हैं देखिए। और इस तरीके से लूप बनाते हुए यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर ये लूप अटैच करेंगे 1/2 इंच का गैप रखते हुए। देखिए इस पूरे ही पीस में ये लूप हम अटैच करेंगे, इससे इस डिज़ाइन का जो लुक है और भी अच्छा आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने इस तरीके से लूप अटैच कर लिए हैं और यहाँ पर देखिए मैंने ये डोरी ली हुई है। इस डोरी को देखिए यहाँ पर हम इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम सेफ्टी पिन की हेल्प से देखिए यहाँ पर इस तरीके से हम इस डोरी को इंसर्ट कर लेंगे। बीस सेंटर से देखिए इसको डालना शुरू करेंगे हम। मैंने यहाँ पर देखिए 2 डोरी ली हुई है तो दोनों ही डोरी को इसी तरीके से हम इंसर्ट कर लेंगे। ये देखिए एक साइड मैंने इसको इंसर्ट कर दिया है, इसी तरीके से दूसरी वाली साइड भी इस डोरी को हम यहाँ पर डाल लेंगे। तो ये देखिए गाइस मैंने यहाँ पर डोरी डाल ली है। अभी इस पीस को देखिए हम यहाँ पर रख के इसको अटैच करेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए ऐसे हमारा सीधा नहीं आएगा, तो पहले देखिए इस ब्लाउज पीस का हम बेस सेंटर करेंगे। बेस सेंटर में देखिए एक चौक से यहाँ पर निशान लगा लेंगे और जो हमारा ये पीस है इसके भी बेस सेंटर में एक निशान लगा लेंगे और सेंटर से सेंटर को मिलाते हुए देखिए इस तरीके से रखेंगे इसको और यहाँ से पिनअप कर लेंगे। तो ये जो हमारा डिजाइन है एकदम से परफेक्ट बनेगा, ये देखिए।
इसको देखिए मैंने यहाँ पर पिनअप कर लिया है। अभी इसके ऊपर हम स्टिच लगा के इसको पक्का कर लेंगे यहाँ से। ये देखिए तो देखिए गाइस मैंने इसमें स्टिच लगा के इसको अच्छे से पक्का कर लिया है, ये देख सकते हैं आप। और इस डोरी को यहाँ पर इसमें नॉट लगा के इस तरीके से कर देंगे यहाँ पर। अभी देखिए इस नेक में हम यहाँ पर लेस अटैच करेंगे, इससे इसका लुक और भी अच्छा आएगा नेक का। तो पूरे ही नेक में देखिए हम ये लेस अटैच कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ऊपर की तरफ इसमें बांधने के लिए डोरी भी लगा सकते हो। तो देखिए गाइस नेक हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए कितना यूनिक हमारा नेक डिज़ाइन बना है, आप देख सकते हैं, और कितनी फिनिशिंग के साथ भी बना है। तो आज का ये डिज़ाइन आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कीजिएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़।